नमस्कार, एक बार फिर से हम एक साथी के साथ हैं जिन्होंने अभी कलयुग भोजन किया है। आज कलयुग फूड फेस्टिवल में 29 अक्टूबर 2023 का दिन है आज, और स्मृति वन में हम मौजूद हैं। सविता मैम मेरे साथ मौजूद है, तो सविता मैम से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। मैम वैसे भी आती रहती है हमारे कार्यक्रमों में, तो मैम बहुत स्वागत है एक तो आज कार्यक्रम में। धन्यवाद। वैसे तो कार्यक्रम समाप्त हो चुका है लेकिन फिर भी अच्छा, आप बताएं कि आज आपने क्या क्या खाया। मैंने खाया उड़द की दाल के भूड़े, चने और हरे प्याज का अदरक की फाड़ो, इलायची की खुशबू में पका सतरंगी झंगोरा। बड़ी तो ये क्या है, मैं समझ रहा हूँ मैम, सामने लिखा हो उतना याद नहीं रहेगा तो आपने जो खाया वही बता रही है ना? हाँ, वही क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ मैंने सब खाया वो अच्छा, ककड़ी रायता पहाड़ी जो भी है ना भात खुशका उसका जो भी है जी जी। और काफी दिनों बाद खाया, 4 महीने बाद वापस आई हूँ इंडिया, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। स्मृति बन मेरा घर जा सही है और मुझे सारे अपने ही लोग हैं तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। मैम जैसे आपने बताया 4 महीने के गैप के बाद आप आई थिंक आ रही हैं, तो ये जो गैप है इसको आपने ज़रूर मिस किया होगा, क्योंकि हम आमतौर पर 1 महीने के अंतराल के बाद कलयुग फूड फेस्टिवल करते रहते हैं। और अच्छा, आप जैसे आप बाहर जा रखी थी, आप आई थिंक कनाडा गई थी, तो वहाँ पे क्या कुछ पॉसिबिलिटी है पहाड़ी भोजन उत्तराखंडी भोजन की? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। घर घरों में तो हम गढ़वाली लोगों में गए हैं, पहाड़ी लोगों में घर में तो उन्होंने तो बनाया है, लेकिन मैं अपने घर में बनाती थी पूरा खाना, बच्चों को खिलाया सब कुछ। मतलब आप वहाँ पे जाके आपने? मैं यहाँ से दालें लगी थी पूरी। अच्छा, अच्छा। अपने क्या है वो फंची से काफ़ी सारी दालें और यहाँ की भट वगैरह है और क्या था झंगोरा है ना, वो सब वहाँ खिलाया मैंने। और मतलब मेरे बेटे के दोस्त हैं उनको खिलाया तो वो कहते थे ये क्या चीज़ है, मैंने कहा ये सब, तो कह रहे बहुत टेस्टी होता है ये, खासकर वो भट की चुड़कानी होती ना वो मैंने बनाई है वहाँ पे जी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए वहाँ पे लोग कि मतलब पहाड़ में भी कुछ व्यंजन होते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है इस तरह का, तो मुझे भी खुशी हुई कि वो लोगों को खाने को मिला और उन्होंने तारीफ किया, अच्छी चीज़ है। तो मैम बहुत सच में ये सुन के ये देख के विशेष लगा कि आपने कनाडा में जाके भी उत्तराखंडी भोजन आप यहाँ से लेके गए और वहाँ पे बना के खाया और औरों को भी जो वहाँ पे रहते हैं उनको खिलाया, तो यानी कि एक मतलब इनडायरेक्टली आपने प्रमोशन कर दिया है पहाड़ी भोजन का। और वहाँ नमस्ते कनाडा एक प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। उसमें हम लोग गए थे तो वहाँ पे हमने देखा वो मिलिट, सारे मिलिट्स लग का वो, तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, तो हमारे यहाँ भी होता है, बल्कि मैंने फोटो वोटो भी खींची वहाँ पे काफ़ी उसके पोस्टर्स की, तो बिल्कुल मुझे लगा कि पहाड़ का सब कुछ वहाँ दिख रहा है। अच्छा, अच्छा। तो खुशी हुई कि खुशी, अच्छा है बिल्कुल, बिल्कुल। कि मतलब कनाडा जैसी जगह में ये सब लोग खा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं जी, जी। तो अच्छा है, काफ़ी सुंदर। तो ठीक है मैम, आप इसी तरीके से कलयुग फूड फेस्टिवल का आनंद लेते रहिए और उत्तराखंडी भोजन का इसी तरीके से स्वाद चखते रहिए और इसी तरीके से सहयोग करते रहिए इसको बढ़ाने में। बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद शुभम।